गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करनी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु सच्चे पिता परमात्मा अपने उन्हां प्यारे बच्चों को कौम के समाज के भले की सेवा लेंदा है, जिन्हां दे उत्ते उन्हां नूं बहुत माण हुंदा। यही प्यार, यही माण यंग प्रोग्रेसिव सिख फोरम के मैंबर साहब डॉक्टर प्रभली जी, हरप्रीत जी, चड्डा जी, अमृतपाल जी, चडाना जी, दमन जी, साडे आंटी दरजीत कौर जी, साडे जज साहिबा मनुची जी, किरणदीप जी, जिन्हां ने एक बी बीजिया, 13 महीने का बच्चा अजे चलन लगता है, छोटे छोटे जेडे पलंगा फुटता है, पर इस 13 महीने की संस्था ने एक बहुत वड्डा उपराला करदा कीता है। मैं इसकी वधाई देना, मैं धन्नवादी हाँ पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर मेरे वड्डे वीर राणा गुरबीर सिंह जी सोढ़ी साहब का, राणा जी साडे कौंसलर साहब जिहड़े चेचा इत्थे बच्चों नूं आशीर्वाद देण आए ने। मैं समझदा कि हुण साडी जिम्मेवारी बनदी है कि किसी ना किसी ढंग ने इन्हां बच्चों की सपोर्ट भी की जाए, कोई ना कोई असीं भी अपना योगदान पाउंदे रहांगे। मैं जदों भी 1 लाख रुपया जिहड़ा इस संस्था नूं जिहड़ा अपने वल्लों देंदा है, इहदे शुरुआत तुसीं नेक काम ते चले चलो, ये तो सिख धर्म की परंपरा, तुसी नेकी करनी शुरू कर दो, पैसे की कभी कमी नहीं। कोरोना दे विच भावें दुकाना बंद सी, समान कितों मिलिया नहीं, जे किसी ने पिंड च लंगर ला लिया उदों लंगर ही नहीं खत्म होया, पता नहीं कितों आई गया। जे गुरु घर से शुरू होया उतों कोई उस घर च कोई कमी नहीं, जे शहर च लिया उस शहर च अटे कितने अटे। मैं बड़े माण ने पार्लीमेंट च कहा कि मैनू इन्ना माण है पंजाब ते, साडा ये लॉकडाउन परमात्मा ने खत्म किया तो मैनू माण सी भी पंजाब च इस लॉकडाउन च कदी भी कोई बंदा भुखा नहीं सोता, इन्हें मैं यकीन ना किया, क्योंकि साडी कौम जे दपाल दे विच अर्थक्वेक आया खालसिया ने उत्थे पहुंचे, रोहिंगा मुसलमाना से प्रॉब्लम आई उत्थे पहुंचे, अफ्रीका चाई उत्थे पहुंचे, अफगानिस्तान चाई उत्थे पहुंचे। इन्नी वड्डी जिहड़ी सानू गुरां ने गुड़ती दित्ती है, जिहड़ा रस्ता गुरां ने दिखाया, मैं समझदा कि खालसे की दृढ़ता ते नेक नीति ते सेवा जिहड़ी करन दी जिहड़ी सानू गुड़ती मिली है, वह खालसे की एक विलक्षण पछाण बढ़ाउंदी। मैं ज्यादा समा का लगा होया, एक मैं बेनती अगे भी डॉक्टर साहब नीती थी, अज मैं फिर कर दिना कि उस किताब मैं ऑलरेडी साढ़े अमृतसर काफ़ी फेमस ने जेडे किताबा प्रिंट करते, उन्होंने गल कर दी। मैं डॉक्टर साहब को बेनती की कि साढ़े एक ऐसे साढ़े ना जेड़ा सिखा का इतिहास है वो लगभग साढ़े आप दिन किताबों चो ही गायब हो गए। असी की पढ़ते हैं मुगल हिस्ट्री, असी की पढ़ते हैं वर्ल्ड वार फिल्मा केड़ियां ने, वर्ल्ड वार 1 ते 2 जेड़ियां सिखा दियां कुर्बानियां जां बहादुरी दियां जेड़ी किस्से कहानियां ने, वो कहते ने अपने से ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤ ਕਰੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲਦਾ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ,
ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, 8-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਸੀਦਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਇਤ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਚ ਲੱਭਦੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਖਰਚ ਲੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਘੜੀ 4-4, 5-5 ਪੇਜ ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਥੇਰੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਇੰਡਲੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਛਪਾ ਦਈਏ, ਆਈ ਵਿਲ ਫੂਡ ਦਾ ਆਲ ਦਾ ਬਿਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨੂੰ ਜੀਦਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।